हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 4.2 तक के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन का जो है वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा जो है हम लोगों ने कम्प्लीट सीखा था, और उसमें हम लोग जो है सीखे थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है, पूरा हम लोग जो है सीख चुके हैं। और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नया जो है विधि हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आज 2 नंबर क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है इसको हम लोग जो है पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो है इसमें किस तरह से आपको बनाना है उसको हम लोग देखेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जो है यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के द्वारा बोला जाएगा उपयुक्त प्रश्न 1 में, किसमें, तो प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल जो है आपको बोला जा रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 1 में जितने भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं, 4 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इस सभी द्विघात समीकरणों का आपको क्या करना है, मूल निकालना है। लेकिन यहाँ पर विधि क्या लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर निकालना। पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि पूर्ण वर्ग विधि बना करके उसका मूल निकाले, इस बार बोला जा रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके जिसका क्या करे, तो मूल ज्ञात करे। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फर्स्टली जो है हम लोग देखते हैं। आप लोगों को हम बताए भी होंगे कि द्विघाती सूत्र जो है उसके विधि उसके मदद से हम लोग कैसे किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, एक बार आज भी हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग सीख जाएंगे। हम लोग सबसे पहले जो है दूसरा का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको दिया नहीं गया है, आपको यह बोल दिया गया कि प्रश्न 1 में जितने भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं उस सभी का मूल आपको निकालना है। प्रश्न 1 में आप देख सकते हैं कि 4 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इस 4 द्विघात समीकरण का ही आपको क्या करना है, तो मूल निकालना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला में जो भी दिया गया होगा उस सभी को हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है, जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 1 में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो समीकरण उसमें दिया गया है 2xx² - 7x + 3 = 0। तो हम यहां पर लिख लेंगे 2xx² - 7x और प्लस 3 = 0। हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब यहां पर आप लोगों को सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू लिख लेना होगा। तो लिखेंगे यहां आप देख सकते हैं कि क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ए का वैल्यू लिखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए जो होता है वो स्क्वायर वाला का जो गुणक होता है वो होता है। तो यहां पर आप x² का गुणक क्या है, 2 है, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू आप निकालेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो पावर 1 वाले के साथ जो गुणा के रूप में होता है वो बी होता है। तो एक्स के साथ क्या है, -7 है, तो यहाँ पर आप चिन्ह के साथ लिखेंगे -7। ठीक है, और सी का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए एवं। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, लिखेंगे एवं सी बराबर। ठीक है, तो सी बराबर आपको क्या दिया गया है, तो सी देख सकते हैं कि 3 है, जो कॉन्स्टेंट पद होता है उसको सी बोलते हैं, तो सी का वैल्यू 3 हो गया। तो पहला काम आप क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। ए क्या होता है, तो पावर 2 के साथ जो रहता है वो होगा, पावर 1 वाले के साथ जो रहेगा वो जो है बी होगा, और जो कॉन्स्टेंट पद होगा वो सी होगा। ए बी सी का मान निकालने के बाद दूसरा काम आपको डी का वैल्यू निकालना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर क्या बराबर, डी बराबर, तो डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है, तो डी का फार्मूला होता है b² - 4ac।
तो अब आपको डी का वैल्यू क्या कर लेना है, निकाल लेना। तो देखिए यहाँ पर आप डी लिख लीजिए, ठीक है, हल्का अच्छा से हम लिख देते हैं, डी यहाँ पर लिख लेंगे। और बी देखिए, बी का वैल्यू कितना है, तो -7 है, तो हम यहाँ पर बी के जगह पर क्या ले लेंगे, -7 का क्या कर लेना होगा आपको, स्क्वायर कर लेना होगा, -7 का स्क्वायर कर लेना होगा। फिर माइनस है तो बीच में तो माइनस ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लीजिए, और उसको गुणा कर देंगे ए और उसके बाद सी से। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, 2 ले लेना है, और गुणे सी है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, दोनों के बीच में तो गुना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, सी, और सी का वैल्यू आपके पास है 3, तो यहाँ पर आप 3 क्या कर देंगे, गुना के रूप में लिख देंगे, हल्का ऊपर आ जाएंगे। अब बातों को समझेंगे कि आखिर अब आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी बराबर देखिए 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे, -7 का, तो -7 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +49, क्या हो जाएगा, +49 होगा, क्योंकि जब किसी माइनस वाले संख्या को आप स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, तो वो प्लस हो जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। माइनस है यहाँ पर तो माइनस ले लीजिए, 4 गुना कितना होगा 8, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा तो 24 कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 24, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप जब अगले स्टेप पर जाएंगे तो ये आपका डी है, तो डी बराबर लिखेंगे 49 में से 24 आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 25, यानी कि डी का वैल्यू आपको मिल गया 25, डी का वैल्यू क्या मिला, 25 मिला, लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर। देखिए डी का वैल्यू निकालने के बाद अब आपको द्विघाती सूत्र क्या करना है, लिखना है, और द्विघाती सूत्र लिख करके अपने आंसर को निकालना है, लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर, ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर, तो ये द्विघाती सूत्र होता है, एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा, हम आपको बताए थे, याद कर लेना आपका काम है, बताए थे आप लोगों को कि एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √d और बट्टे में होता है 2a, ± √d और बट्टे में क्या होता है तो 2a होता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वह आप जो है यहाँ पर सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या तो आप आगे आगे लिख लीजिए या नहीं तो आप नीचे नीचे भी लिख सकते हो, तो हम आगे आगे लिख लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो b का वैल्यू डालना है, तो देखिए फार्मूला में जो माइनस है वो माइनस रहेगा ही, ये एक बातों को आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो माइनस है वो रहेगा ही, और b का वैल्यू फिर डालना है, तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं कि -7 है, तो ये भी -7 आप यहाँ पर लिखेंगे, तो जब दो माइनस लिखते हैं एक साथ तो इस तरह से लिखेंगे, कोष्ट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिया गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और रूट डी, तो देखिए रूट तो रहेगा ही रहेगा, और डी का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू आपने निकाला है 25, तो यहाँ पर हम जो है डी का वैल्यू कितना रख देंगे, तो डी के जगह पर रख देंगे 25, ठीक है। नीचे में 2 गुने ए लिखना है, तो 2 तो 2 रहेगा, और ए का वैल्यू आप ऊपर से ले लीजिए, तो देख सकते हैं कि ए का वैल्यू आपको दिया गया है 2, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2। फिर आप क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, +7 हो जाएगा, +7, और बीच में प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपको मिल रहा है, आप √25 है, ठीक है। तो √25 का जो मान होता है वो 5 होता है, ठीक है, आपको पहले हम भी हम बताए होंगे, क्योंकि √25 को आप लिख सकते हैं √5 × 5 होता है, और एक 5 बाहर आ जाएगा, तो √25 का डायरेक्टली मान कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, √25 का 5 आ रहा है, तो √25 के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, तो 5 लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे में जब आप 2 को 2 से गुना करते हैं तो आपको मिलता है 4, 2 को 2 से जब आप गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, और अगले स्टेप में क्या करना आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आप करेंगे क्या, ये चीजों को समझिए, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, देखिए बीच में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है, तो एक बार प्लस चिन्ह का यूज करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर आप समझेंगे, एक बार हम लिखेंगे 7 + 5/4, ठीक है, और फिर कॉमा ले लेंगे बीच में, और फिर लिखेंगे 7 − 5/4, क्योंकि 7 − 5 भी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 7 − 5 और बट्टे में क्या लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, 7 और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12/2 कितना हो जाएगा तो 4, 12/4 हो जाएगा, और फिर कॉमा ले लेंगे बीच में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 2, कितना मिलेगा 2/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बातों को यहाँ पर आप समझेंगे ध्यान से, जब आप काटते हैं तो 4 × 4 और 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 कट जाएगा, और फिर 2 × 1 = 2 होगा, और 2 × 2 = 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या वैल्यू मिला यह आप जो है समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको आखिर क्या वैल्यू मिलेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो था वो बचा तीन, कितना बचा, तीन बचा, और कॉमा है तो कॉमा ले लेंगे, और यहाँ पर एक बट्टा दो बच रहा है तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक बट्टा दो। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यानी कि एक्स का जो दो मूल है वो आपको एक तो मिला तीन और दूसरा मिला एक बट्टा दो। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख दीजिएगा कि अतः जो है अतः लिख देंगे, अतः आप लिखेंगे एक तीन और दूसरा एक बट्टा दो, तो लिखेंगे अतः तीन और तीन और एक बट्टा दो, एक बट्टा दो समीकरण का मूल है। समीकरण कौन, तो जो दिया गया उसका, समीकरण का दो मूल हैं, दो मूल हैं। मूल किसको कहते हैं, देखिए यहां आपने क्या निकाला, तो x का वैल्यू ही निकालते गया आपने, तो x का वैल्यू ही ये मिला आपको तीन और एक बट्टा दो, तो ये हो जाएगा दो मूल आपका फाइनल ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम फिर से दिखा देते हैं आपको। यहां से एक स्लॉट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद जो है आप आ जाएंगे कहां, तो हम हल्का इसको नीचे कर देते हैं, तो नीचे भी आप आज करके यहां पर इसका भी क्या क्लियर नोट बना लीजिएगा, कॉपी आप बना लीजिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर दो को क्या करते हैं देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए और जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप तो मेरा सभी ऐप आ जाएगा, तो जो भी आपके काम का ऐप होगा LGR स्टडी जिसमें लगा होगा तो वो आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी वहां पर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी चीज वहां पर आपको हमारे मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर ले। जो लोग डाउनलोड करके रखे हैं तो वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा जब आप, क्योंकि वहां पर नया नया चीजें आपको मिलता रहता है, ठीक है। चलिए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग और सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है दूसरा काम सॉल्व करने जा रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन किसको सॉल्व करेंगे, तो दूसरा का दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन हम जा रहे हैं सॉल्व करने। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, तो जो भी चीज दिया गया है उसको आप समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। दिया क्या गया है, तो जो समीकरण दिया गया उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण है 2x² + x - 4 = 0, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो एबीसी का मान लिख लेना है, तो लिखेंगे यहां ए का वैल्यू क्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, तो ए का वैल्यू क्या होता है, तो x² के गुणांक जो होता है वो होता है ए का वैल्यू, तो x² का गुणांक दो है, तो ए का वैल्यू आपका हो जाएगा दो। इसके बाद आपको बी का वैल्यू लिखना है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं, मतलब x के गुणा में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो x को एक से गुणा किया गया, तो आप यह याद रखिएगा कि यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एवं c का वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या होगा, c कांस्टेंट पद होता है तो c का वैल्यू यहाँ पर आपको -4, कितना, तो हम लिख देंगे -4, कितना लिखेंगे -4 लिखेंगे। इतना करने के बाद हम आपको बताए थे कि एबीसी का मान निकाल करके आपको लिख लेना डी का मान निकालना, लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे डी बराबर, ठीक है। तो इसलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। अब आप इसमें वैल्यू बैठा लीजिए, देखिए डी बराबर क्या मिलेगा आपको, डी बराबर देखिए बी है, तो बी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको मिल रहा है एक, बी का वैल्यू कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक का स्क्वायर कर लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 4 × ए का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आप 2 रख लेंगे, गुने सी, तो सी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि -4 है, सी का वैल्यू कितना है तो -4, सी का वैल्यू कितना है तो -4, इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना है माइनस आ जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए कोस्ट ले लेना यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे डी बराबर एक का स्क्वायर कितना होगा, तो एक का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि एक का जो आपका स्क्वायर होगा वो एक होगा, ठीक है। और देखिए 4 × 2 कितना होगा 8, तो ये 4 देखिए
एक माइनस और दो माइनस, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सबसे पहली बात, और चार दो आठ, और आठ चौके कितना होगा तो 32 होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 32। इस तरह से आपने देखा कि आपको डी का जो मान है वो मिल रहा है 32, एक 33 जब जोड़ेंगे कितना होगा, 33 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसका एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे नीचे देख लेते हैं, नीचे आप सॉल्व करेंगे तो आपका अच्छा लगेगा और आपको भी इस तरह से ही बनाना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, हल्का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ए बी सी और डी का वैल्यू देखने में कोई प्रॉब्लम न हो। चलिए लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर, इसीलिए एक्स बराबर, ये द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, अभी हम आपको बताए भी हैं, होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी होता है और बट्टे में 2a होता है। ठीक है, तो हम आगे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, देख सकते हैं कि जो माइनस बी है तो वो माइनस माइनस रहेगा फॉर्मूला वाला, और b का वैल्यू देख सकते हैं आपको यहाँ पर 1 दिया गया है, b का वैल्यू 1 दिया गया, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 1, बीच में प्लस और माइनस दोनों का साइन, तो प्लस माइनस ले लेंगे। और d का जो मान है आप देख सकते हैं कि d है तो रूट डी हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो d का वैल्यू आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं जो आपने निकाला यहाँ पे वो 33 निकला है, तो डी के जगह पर आप 33 रख सकते हैं। तो ये डी है तो डी के जगह पर सेम टू सेम हम कितना रखेंगे, 33 रखेंगे, और फिर आप नीचे में आ जाएंगे तो 2a हो रहा है। ठीक है, तो 2 गुने a, और a का मान आप देख सकते हैं कि दिया गया है 2, तो इसका मतलब है 2 गुने 2 कर लेना होगा। अब आप आगे बढ़ा लेंगे, ये प्लस 1 है तो प्लस सॉरी माइनस 1 है तो माइनस 1 ले लेंगे। फिर आप एक चीज देखेंगे, प्लस माइनस बीच में है तो प्लस माइनस ले लीजिए, और रूट 33 को आप रूट 33 ही लिखेंगे क्योंकि रूट 33 का जो पूरा पूरा मान है वो नहीं निकलता है। ठीक है, और नीचे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस बातों को समझिए, अब आपको सॉल्व करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस 1 है तो माइनस, देखिए एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, पहले हम इसका बट्टा ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा बट्टा लेना होगा, देखिए माइनस 1 और प्लस रूट 33 लेते हैं, प्लस रूट 33 और बट्टे में क्या है तो बट्टे में है 4, तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया हम, फिर कॉमा ले लेंगे और फिर जो है माइनस का चिन्ह लेंगे, तो ये माइनस 1 तो रहेगा ही और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों था तो प्लस का हमने प्रयोग कर लिया, आप किसका करेंगे तो माइनस का करेंगे, तो माइनस रूट 33 होगा, तो माइनस रूट 33 यहाँ पर आप लिख देंगे, बट्टे में 4 है तो आप क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी चीजों को आप नीचे में लिख देंगे, नीचे जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण के मूल है, लिखेंगे अतः देखिए दो मूल मिला, एक तो माइनस 1 और प्लस रूट 33 बट्टे 4 और एक मिला माइनस 1 माइनस रूट 33 बट्टे 4, तो यहाँ पर एक लाइन आप एक सेंटेंस लिख देंगे, लिखेंगे अतः, अतः आप लिखेंगे एक्स बराबर, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं अतः माइनस 1 प्लस रूट 33 और बट्टे 4 बट्टे 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 माइनस 1 और ये बीच में माइनस है माइनस रूट 33 और बट्टे 4 समीकरण के दो मूल हैं, क्या लिखेंगे, दो मूल हैं, ये दो क्या हैं, मूल हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो आप लोग अच्छा रहेगा कि कॉपी बना लीजिए, कॉपी लिख लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। 3 नंबर और 4 नंबर को भी अभी ही हम सॉल्व करेंगे तो हल्का लंबा जाएगा, बट सीख लीजिए, आज के इस वीडियो में ही सारा हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिटा लेते हैं और आप 3 नंबर और 4 नंबर दोनों क्वेश्चन को ही आज हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एक ही आज के क्लास में आप कुछ एक ही में आप ज्यादा क्या कर लीजिए, सीख लीजिए। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, इसको भी मिटा लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर है, वो काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको सीख लीजिएगा, काफी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये पूरा आपका हो गया क्लीन, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन को, 3 नंबर को।
और सीखेंगे आप भी। चलिए तीन नंबर को हम सॉल्व करेंगे, तो हल्का इसमें चेंजिंग कर देते हैं। चलिए सीखने की कोशिश करेंगे आप भी। हम जो है तीन नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जो भी पहले दिया गया होगा उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो है जिस तरह से हमें सॉल्व करना होगा उस तरह से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम जो है हल करने जा रहे हैं किसको, तो दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसको हम जा रहे हैं सॉल्व करने। तो लिखेंगे दिया गया है, मतलब जो चीज दिया गया उसको लिख लेंगे, दिया गया है, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया जो समीकरण है तीसरा नंबर का समीकरण आप उसको देख लीजिए, चार एक्स एक्स स्क्वायर, क्या समीकरण है, चार एक्स एक्स स्क्वायर प्लस चार रूट तीन, चार रूट तीन एक्स और प्लस तीन, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग ए बी सी और ए बी और सी का मान निकालते हैं, आप सभी को पता होगा। तो लिखेंगे यहां, यहां आप समझेंगे कि ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक चार है, तो ए का मान हो गया चार। इसी तरह से बी का मान भी आप लिखेंगे, तो बी का मान आप देख सकते हैं कि जो एक्स का गुणांक है वो चार रूट तीन है, तो यहां पर लिखेंगे चार रूट तीन, क्या लिखेंगे, चार रूट तीन लिख लेंगे। एवं सी, एवं सी का मान क्या है, तो सी का मान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीन, कॉन्स्टेंट पद सी होता है, तो सी का मान तीन ले लेंगे। ए बी सी का मान निकालने के बाद आप डी का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, डी का, तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, डी बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अब आपको क्या कर लेना है, देखिए डी है और b का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका चार रूट तीन है, तो b का मान हम ले लेंगे चार रूट तीन और उसका कर लेना आपको होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर चार गुने a है, तो a का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऊपर चार है, तो a का वैल्यू ले लेंगे चार, और गुने c है तो c का मान आप देख सकते हैं कि तीन है, तो यहाँ पर आप तीन ले लेंगे। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डी है तो डी होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि चार रूट तीन का जब आप स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपको हम पहले दिखा देते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है वो चार पर भी जाएगा और रूट तीन पर भी जाएगा, और दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना है। तो जब आप चार का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको सोलह, और फिर आप उसको गुना कर देंगे तीन के स्क्वायर, तो तीन ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा तीन, इस तरह से सोलह या अड़तालीस होगा। चार रूट तीन का स्क्वायर कितना होगा, अड़तालीस होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अड़तालीस, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और चार चौके सोलह और सोलह तिया अड़तालीस, फिर से यहाँ पर आपको कितना मिल गया, तो अड़तालीस मिल गया। अब इससे होगा क्या, इस बातों को समझना है आपको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार आपको डी का वैल्यू जीरो मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो प्लस अड़तालीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लस 48 है वो माइनस 48 से कट जाएगा, या फिर 48 में से 48 आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा जीरो, कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो d का वैल्यू यहां पर पहली बार आपको कितना मिल गया, जीरो मिल गया। अब इससे क्या होगा, अब हम आगे क्या करते हैं, तो दूसरा स्टेप मेरा क्या होता है, x का मान लिखना, तो लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तीन बार लगा करके हम लिख दिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बट्टे टू ए, ठीक है। तो अब इसका मान बैठा लीजिए, हम हल्का ऊपर कर लेते तो मान बैठाने में आपको ज्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। यहां देखिए कि क्या होगा, ये माइनस बी है, देखिए फार्मूला वाला माइनस रहेगा ही रहेगा, और बी का वैल्यू चार रूट तीन है, तो आप लिख लेंगे चार रूट तीन, क्या लिखेंगे, चार रूट तीन लिख लेंगे, और प्लस माइनस रूट डी, तो डी का वैल्यू जीरो आया है, आपको यहां आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू जीरो आया है, तो जीरो लिख लेंगे, और नीचे में दो गुने ए करना है, तो ए का वैल्यू आप देख सकते हैं कि चार है, तो यहां पर हम ले लेंगे चार, कितना लेंगे, चार लेंगे। फिर आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, यहां क्या होगा, देखिए ये माइनस जो है इसको हम अच्छा से लिख ही लेते हैं, ये माइनस चार रूट तीन है, माइनस चार रूट तीन, और बीच में क्या होगा, तो प्लस माइनस होगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस,
और रूट जीरो का मान होता है जीरो, और नीचे में जब चार को दो से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा आठ। क्या मिलेगा? आठ मिलेगा। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से आप देखिए। अब आप प्लस का साइन लीजिए या फिर माइनस का साइन लीजिए तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्टेप आपको पूरा लिखना होगा। तो स्टेप लिखने के लिए यहाँ पर आप लिख लेंगे माइनस चार रूट तीन, माइनस चार रूट तीन, और एक बार प्लस जीरो लेंगे और बच्चे में आठ लेंगे, फिर कॉमा लेंगे बीच में, और फिर आप एक बार माइनस लेंगे। तो देखिए ये सॉरी यहाँ पर माइनस चार रूट तीन होगा, माइनस चार रूट तीन, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंगे माइनस चार रूट तीन, क्या लेंगे? तो माइनस चार रूट तीन लेंगे, और इस बार लेंगे माइनस जीरो और बट्टे में आठ है तो हम ले लेंगे आठ। अब अगले स्टेप में आपको क्या कर लेना है, देखिए जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको? चार रूट तीन और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो आठ हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा ले लीजिए, जीरो घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस चार रूट तीन और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो आठ हो जाएगा। एक चीज प्रैक्टिकली अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल होने वाला जो टर्म है इसको आप कैंसिल कीजिए, तो देख सकते हैं कि चार दूना आठ ये कटेगा, चार दूना आठ कट गया। फिर यहाँ भी क्या होगा? तो चार दूना आठ कटेगा। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे समझिए, ठीक है। हम यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं इस बातों को आप सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए अगले स्टेप में आपका क्या होगा, देख सकते हैं कि माइनस रूट तीन बट्टा दो बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस रूट तीन और बट्टे में दो आ गया, फिर कॉमा ले लेंगे, और फिर यहाँ भी देख सकते हैं माइनस रूट तीन बट्टे दो आएगा, तो हम लिख लेंगे माइनस रूट तीन और बट्टे में क्या आ जाएगा? तो दो आ जाएगा, ठीक है। यह जो है दो मूल निकला आपका इस समीकरण का, दो क्या निकला? मूल निकला। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कभी भी डी का वैल्यू जीरो होगा, डी का वैल्यू कभी भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसका दोनों मूल एक जैसा होगा, मतलब समान और वास्तविक, वास्तविक और समान मूल होंगे, आप याद भी किए होंगे। तो देख सकते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका डी का मान जीरो आया है तो मूल कितना आ गया है? दोनों मूल एक जैसा आया है, मतलब वास्तविक और समान मूल इसी को कहते हैं। तो अब आप इस नीचे में एक लाइन लिख देंगे, लिखेंगे अतः अतः माइनस रूट तीन बट्टे दो कॉमा, या फिर एवं लिख दीजिए, एवं माइनस रूट तीन बट्टे दो, माइनस रूट तीन बट्टे दो समीकरण के, समीकरण के क्या लिखेंगे? समीकरण के दो मूल हैं, दो मूल हैं, क्या है? तो दो मूल हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी बना लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देख ही लेते हैं आज के ही क्लास में लास्ट क्वेश्चन को। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। मिटाने में आपको करना क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से क्या करना है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है चार नंबर क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हम लोग जो डी का मान निकाले हैं, दो स्थिति आ चुका है डी के मान का। एक तो आ रहा था पहले प्लस में, और एक बार क्या आया, तो एक बार जो है जीरो आ गया डी का मान। तो जब डी का मान जीरो आ गया तो आपने देखा कि जब जो है डी का मान जीरो आएगा तो उस स्थिति में क्या होता है, तो मूल समान होता। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन को, किसको? दूसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो लिखेंगे दिया गया है, जो भी चीज दिया गया चौथा नंबर में इसको लिख लेंगे, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस चार बराबर जीरो दिया गया, तो लिख लेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस चार बराबर जीरो दिया गया। तो यहां पर सबसे पहले एबीसी का लिखेंगे मान, तो लिखेंगे यहां ए बराबर आपको दे दिया गया है दो, ए बराबर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दो है, और बी का मान आपको दिया गया है एक, और सी का मान आप देख सकते हैं कि है चार, कितना है? चार है। इसीलिए हमें क्या निकाल लेना होगा, तो डी का मान निकालना होगा। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो डी का मान रखेंगे, तो डी बराबर क्या होगा, बी का मान आप देख सकते हैं कि एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर,
तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। ए का मान आप देख सकते हैं कि 2 है, तो 2 गुने और सी का मान कितना है तो 4 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिल रहा है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको नीचे वाले को हम अभी तक मिटाए नहीं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब जो है इसको समझिए कि आखिर इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा। तो देखिए d बराबर आपको मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है तो बीच में माइनस ले लीजिए, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, और 8 दूना कितना होगा 16 होगा, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 होगा। इससे आपको जो है 4, एक मिनट समझिए, यहाँ पर 16 नहीं होगा क्योंकि देखिए 4 दूना 8 और 8 चौके आपको मिलेगा 32, कितना मिलेगा 32 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 32, ठीक है। ये 32 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि d का मान आपको क्या मिल रहा है, तो d बराबर आपको मिलेगा माइनस 31, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 32 कितना होगा माइनस 31 मिलेगा, और यहाँ पर d का मान आ गया किसमें, माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख देंगे, क्योंकि आपको बताए थे हम d का मान अगर प्लस में होगा तो 2 वास्तविक और असमान मूल होता है, और जब d का मान 0 होता है तो 2 वास्तविक और समान मूल होता है, और जब d का मान अगर क्या हो जाए जीरो हो जाए सॉरी माइनस में हो जाए, माइनस में मतलब d का मान 0 से छोटा हो गया, तो जब d का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि d जो है d का मान जो है वो 0 से छोटा है, क्योंकि देखिए माइनस 31 जो है वो 0 से छोटा होता है, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि d का मान जो है वो 0 से क्या है छोटा है, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए दी गई समीकरणों का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, लिखेंगे इसीलिए दिए गए लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्लास को में कि जब भी d का मान 0 से छोटा होगा तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, क्योंकि जब आप जो है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आप लोगों का x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बट्टे होता है 2a, बट्टे 2a होता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर d का मान आप यहाँ पर कितना रखेंगे, d का मान आपको आया माइनस 31, तो यहाँ पर माइनस 31 लिखेंगे, तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आप रूट के अंदर माइनस जो है वो जाता है तो वो अवास्तविक संख्या हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब अवास्तविक हो जाएगा, तो जिसका वास्तविक मूल 9 आए उसको हम नहीं निकालते हैं, तो यहां तक ला करके आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों इसका मूल नहीं निकाल रहे, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और मैट्रिक एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए जो है अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।